स्वागत है दोस्तों आपका इमॉर्टल लेगेसी चैनल पे। आज हम एक बौद्ध भिक्षुणी के बारे में जानने वाले हैं, जिनका नाम बुद्ध के प्रमुख बौद्ध भिक्षुणियों में लिया जाता है, विशाखा। विशाखा का जन्म मगधा साम्राज्य के एक धनी परिवार में हुआ था और वह कौशल राज्य में स्थित सावत्थी के पास उनके पिता द्वारा बनाए गए एक सुंदर शहर साकेता में पली बढ़ी। सावत्थी में उनकी शादी एक बहुत ही अमीर परिवार में हुई। अपने धन के अलावा विशाखा अपनी सुंदरता, आकर्षण, शिष्टता और शारीरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। उनके पास सुंदरता के 5 प्रथम गुण थे, उत्तम बाल, दांत, त्वचा, यौवन और रूप, जो उनके पति पुण्यवर्धन को अपने दुल्हन से चाहिए थे। शादी के बाद विशाखा ने 10 बेटों को और 10 बेटियों को जन्म दिया। विशाखा के सभी गुणों में सबसे उल्लेखनीय बौद्ध, बुद्ध और संघ भिक्षुओं और ननों के मठवासी समुदाय के प्रति उनकी भक्ति और समर्थन था। विशाखा पहली बार बुद्ध से मिली, उनकी शिक्षाएं सुनी और जब वह केवल 7 वर्ष की थी तब उन्होंने धम्म के मार्ग पर प्रवेश किया। उसे 120 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उन्होंने अपनी संपत्ति और प्रतिभा का उपयोग अथक और उदारता पूर्वक संघ की सेवा करने के लिए किया। विशाखा के ससुर मिगारा नग्न तपस्वियों के एक समर्पित शिष्य थे। ये कहानी कि कैसे उसने उसे बुद्ध की शिक्षाओं को स्वीकार करने के लिए राजी किया, उसकी समझदारी, बुद्धिमत्ता और दुस्साहस की पुष्टि करती है। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु मिगारा के दरवाजे पर आया। जब वह सोने के कटोरे में खाना खा रहा था और मिगारा ने उसे कोई भी भोजन देने से इनकार कर दिया। विशाखा ने लज्जित होकर साधु से कहा, पूज्य श्रीमान, मेरे ससुर बासी भोजन करते हैं। क्रोधित मिगारा ने स्पष्टीकरण की मांग की। अपनी शांत आवाज में विशाखा ने बताया कि मिगारा आगे पुण्य अर्जित करने के लिए कुछ भी किए बिना अपने पिछले अच्छे कर्मों का लाभ खा रहा था। विशाखा ने यह भी कहा कि बुद्ध की शिक्षाओं में उनकी अट आस्था को देखते हुए उन्हें ऐसे घर में रहना सहज महसूस नहीं होता था जहां भिक्षुओं का स्वागत नहीं किया जाता था। यदि उसे भिक्षुओं को घर में आमंत्रित करने की अनुमति नहीं मिलती तो वह चली जाती। अनिच्छा से मिगारा बुद्ध और भिक्षुओं को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करने के लिए सहमत हो गया। भोजन के अंत में जब उन्होंने बुद्ध का प्रवचन सुना तो मिगारा ने धम्म पथ पर प्रवेश किया। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक मुक्ति को जन्म देने में मदद करने के लिए अपनी बहू के प्रति आभार व्यक्त किया और घोषणा की कि अब से विशाखा उनके लिए माँ की तरह होगी। इस प्रकार विशाखा को माता विशाखा या मिगार माता, मिगारा की माता के नाम से जाना जाने लगा। समय के साथ उन्होंने शानदार बारामा का निर्माण कराया और इसे संघ को दान कर दिया। मठ को मिगारा मतुपस्ता के नाम से जाना जाने लगा, जो मिगारा की माँ का सीढ़ीदार निवास था। विशाखा ने हमेशा भिक्षुओं और भिक्षुणियों दोनों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संघ की भलाई के लिए सतर्कता से काम किया। उन्होंने बुद्ध से उसे 8 वरदान देने का अनुरोध किया। जब तक वह जीवित रही वह वर्षा ऋतु के दौरान भिक्षुओं को वस्त्र, प्रतिदिन भिक्षुओं को चावल का दलिया, सावत्थी में प्रवेश करने वाले भिक्षुओं को भोजन देना चाहती थी। शहर छोड़ने वाले भिक्षुओं के लिए भोजन, बीमार भिक्षुओं के लिए भोजन, दान करते समय पहनने के लिए ननों के लिए कपड़े। जब विशाखा ने अपने शुद्ध इरादे प्रकट किए तो बुद्ध ने उसे ये 8 वरदान दिए। बुद्ध की प्रमुख महिला शिष्या के रूप में विशाखा ने संघ में संबंधित गतिविधियों में प्रभावशाली भूमिका निभाई। उनके हस्तक्षेप के कारण कई मठवासी उपदेशों का प्रचार किया गया। उदाहरण के लिए उन्होंने उन भिक्षुओं को सवाल किया जिन्होंने बरसात के मौसम में 9 सिखियों को दीक्षा देने से इनकार कर दिया था। उसने बुद्ध से कहा, धम्म कालातीत है, ऐसा कोई समय नहीं जब धम्म का पालन न किया जा सके। इसके बाद बुद्ध ने वर्षा ऋतु के दौरान दीक्षा की अनुमति दे दी। भिक्कुणी संघ के प्रबंधन में विशाखा ने विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कभी कभी बुद्ध ने उसे ननों के बीच विवादों को सुलझाने की अनुमति दी। उनकी सलाह पर ननों के लिए कुछ उपदेश निर्धारित किए गए। पुब्बरामा का निर्माण कैसे हुआ, इसकी कहानी दिलचस्प है। एक दिन जब विशाखा सावत्थी में अनाथ पिंडिका द्वारा निर्मित जेतवन मठ में धम्म प्रवचन सुन रही थी, उसने एक मूल्यवान रत्न जड़ित लबादा, जो उसकी दुल्हन के गहनों का हिस्सा था, अलग रख दिया और उसे वही भूल गई। जब उन्हें नुकसान का पता चला तो उन्होंने इसे वापस लेने से इनकार कर दिया और इसके बजाय संघ का समर्थन करने के लिए, धन जुटाने के लिए इसे नीलाम करने की मांग की। जब पूरे सावत्थी में उसे अपने महंगे लबादे को खरीदने के लिए कोई साधन नहीं मिला जिसकी कीमत लगभग
90 मिलियन सोने के टुकड़े थी, तो विशाखा ने उसे खुद ही वापस खरीद लिया। उस पैसे और अतिरिक्त 180 मिलियन से उसने जमीन खरीदी और सावत्थी के पूर्वी द्वार पर पुब्बारामा का निर्माण किया। इमारत में 2 मंजिलें थी, प्रत्येक मंजिल पर 500 कमरे थे और शीर्ष पर ठोस सोने का एक शिखर था जिसमें 60 पानी के बर्तन रखे जा सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि यह इमारत बहुत ही शानदार थी और सुसज्जित थी। बुद्ध के जागरण के 31वें वर्ष में पुब्बारामा को संघ को दान कर दिया गया था। जिस दिन विशाखा ने पुब्बारामा को संघ को समर्पित किया, उस दिन उसने अपने बच्चों और पोतों पोतियों के साथ आनंद पूर्वक गाते हुए मठ की परिक्रमा की। इस असामान्य व्यवहार को देखकर कुछ भिक्षुओं ने बुद्ध से पूछा कि क्या विशाखा ने अपना दिमाग खो दिया है। बुद्ध ने उत्तर दिया कि विशाखा ने अपना दिमाग नहीं खोया है, वह बस अतीत और वर्तमान अस्तित्व में अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति पर खुशी के कुछ छंद पढ़ रही थी। तब बुद्ध ने अपने संसाधनों और क्षमताओं को अच्छे उपयोग में लाने के गुणों की प्रशंसा करते हुए एक श्लोक कहा था। यह प्रसिद्ध श्लोक विशाखा वत्थु के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार फूलों के संग्रह से एक विशेषज्ञ फुलवाई कई मालाएं बना सकता है, उसी प्रकार धन, विश्वास और उदारता के साथ जो जन्म और मृत्यु के अधीन है, वह बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम 25 वर्षों के दौरान कई वर्षा ऋतुएं वहां बिताई और कई महत्वपूर्ण प्रवचन दिए। अगन्ना सूत्र में जो 2 ब्राह्मणों को दिया गया था, बुद्ध ने जाति विचारधारा का खंडन किया। उन्होंने बताया कि कैसे मनुष्य एक के बाद एक जीवन के चक्र में बंध गए और कैसे धम्म का अभ्यास, जो सार्वभौमिक है, 4 जातियों में से किसी को भी ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति देता है। पुब्बारामा में ही बुद्ध ने अपनी अनुपस्थिति में संघ के लिए मूल आचार संहिता पतिमोक्ष का पाठ करने की अनुमति दी थी। एक पूर्णिमा की रात जब बुद्ध पुब्बारामा में निवास कर रहे थे और कौमुदी सफेद लीली खिल रही थी, बुद्ध ने मौन भिक्षुओं के एक विशाल समुदाय को अनापाशक्ति सूत्र दिया। इस प्रवचन में जो बुद्ध की ध्यान की शिक्षा केंद्र है, उन्होंने सांस लेने के सावधानी के बारे में विस्तार से बताया। हे भिक्षु, श्वास के प्रति पूर्ण जागरूकता यदि विकसित की जाए और निरंतर अभ्यास किया जाए तो लाभकारी होगी और महान लाभ पाएगी। इससे माइंडफुलनेस की 4 स्थापनाओं का अभ्यास करने में सफलता मिलेगी। यदि माइंडफुलनेस के 4 प्रतिष्ठानों की विधि विकसित की जाए और उसका निरंतर अभ्यास किया जाए तो इससे जागृति के साथ 7 कारकों के अभ्यास में सफलता मिलेगी। जागृति के 7 कारक यदि विकसित और निरंतर अभ्यास किए जाए तो मन की समझ और मुक्ति को जन्म देंगे। समय के साथ कारकों के संगम के कारण बौद्ध शिक्षाएं और संस्कृति भारत से गायब हो गई। इन कारकों में आंतरिक कलह, राजघराने और विशाखा और अनाथपिंडिका जैसे धनी दानदाताओं से संरक्षण की हानि, ब्राह्मणवाद का पुनरुद्धार और मुस्लिम आक्रमण शामिल थे। अधिकांश अन्य बौद्ध मठों और पवित्र स्थलों की तरह पुब्बारामा को भी नष्ट कर दिया गया। 3 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभों की बदौलत पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों को भी अभी भी पहचाना जा सकता है। पुब्बारामा में खंडहर और स्तूप जिसमें माता विशाखा की अस्थियां हैं, जिनकी खुदाई अभी बाकी है। विडंबना यह है कि आज पुब्बारामा वह स्थान है जहां बुद्ध ने जातिवादी विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाई थी और सांस लेने की जागरूकता की शिक्षा दी थी। मानव आध्यात्मिक उन्नति में विशाखा के योगदान की सराहना और सम्मान के लिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समुदाय के सहयोग से भारतीय अधिकारियों द्वारा पुब्बारामा की खुदाई और बहाली की मांग की गई है। आशा करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं अवश्य बताएं। चैनल से जुड़े रहें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बुद्धम नमामि।